नमस्ते, वेलकम टू बोरीवली हेल्थ केयर। ये हमारा छोटा सा प्यारा सा हॉस्पिटल है जो बोरीवली में हमने अभी जस्ट बनाया है और आज लॉन्च किया है। ये हमने खास करके बनाया है पेशेंट को कंफर्ट को और हमारे डॉक्टर्स के कंफर्ट को, दोनों को लेकर। तो आइए मैं आपको एक छोटा सा टूर देता हूँ इस हमारे छोटे से हॉस्पिटल का। सबसे पहले जो हमने बनाया है कि अगर कोई मरीज़ कभी इमरजेंसी में आए हमारे पास, उसको कोई भी ट्रीटमेंट ज़रूरत हो, तो हम उसको यहाँ पर कैजुअलिटी में एडमिट करके ऑक्सीजन वगैरह की सुविधा है, सब मॉनिटरिंग है और ये सब हम उसको दे पाएंगे। तो यहाँ पे कोई भी पेशेंट किसी भी इमरजेंसी में आएगा, उसका कोई भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट होगा, उसको कोई लाइन लगानी है, कोई सुई लगानी है, कुछ अलग ट्रीटमेंट करना है, ये सब यहाँ पे इस रूम में हो पाएगा। और इस रूम के बाद फिर पेशेंट ने डिसाइड करना है कि उसने एडमिट होना है, या हमने डॉक्टर ने डिसाइड करना है कि उसने एडमिट होना है या नहीं होना है, और उसके बाद फिर उसके आगे से वो प्रोसीजर चलेगा। अब यहाँ से हमारे जो पेशेंट के लिए हमने जो बेड्स बनाए हैं, बेड्स भी हमने इस तरह से बनाए, आप देख रहे हो जो दीवारें हैं, हर चीज़ है, कि हमने इस तरह से बनाया कि ये हॉस्पिटल जैसा नहीं लगना चाहिए। हमने इसलिए हमारे हॉस्पिटल का नाम भी, नाम में भी हॉस्पिटल नहीं रखा है, हमने इसलिए हमारे हॉस्पिटल में नाम भी हॉस्पिटल नहीं रखा है, हमने रखा है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर मतलब हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। तो हमारी खूब इच्छा है और हमारा स्टाफ इस चीज़ का बहुत ध्यान रखता है कि हम पेशेंट की हर ज़रूरत का ध्यान रखें, और उसमें से एक ज़रूरत है कि हॉस्पिटल में आने के बाद एकदम मरीज़ जैसा फील नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आप देख रहे हो कि जो लाइटिंग है, जो एम्बियंस बोलते हैं इंग्लिश में, या तो जो सजावट है, वो भी इस तरह से बनाई है कि पेशेंट एकदम कंफर्टेबल रहेगा और उसको कोई भी तरह से ऐसे उत्तेजना वगैरह नहीं होंगी कि हम हॉस्पिटल में आगे जो डर लगता है एक इंसान को, वो नहीं होना चाहिए। तो हमारे जो पेशेंट रूम्स हैं, हमारे पास सिंगल रूम है, सिंगल डिलक्स रूम है और ट्विन शेयरिंग रूम है। ये सारे तरह के रूम हैं, भले ही ये हॉस्पिटल के रूम हैं लेकिन इनमें पूरा ऑक्सीजन की सुविधा सब कुछ है। तो कोई भी इमरजेंसी भी ये रूम के अंदर हम इसको तुरंत हम उसको अटेंड कर सकते हैं। हर रूम के अंदर ऑक्सीजन का पाइपलाइन लगा हुआ है। हर रूम के अंदर पेशेंट के जो बेड हैं, वो बेड ऊपर और नीचे हो सकते हैं, बेड टर्न हो सकते हैं, हर तरह से हर दिशा में वो घूम सकते हैं। ये सब लेटेस्ट जो हॉस्पिटल आप जो सिर्फ कॉर्पोरेट और बड़े हॉस्पिटल में दिखेंगे, वो सारी सुविधाएं हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। अगर आप देखोगे तो हमारे इवन वॉशरूम जैसी चीज़ जो भी होती है, हमने इस स्टैंडर्ड से बनाई है, कि टोटल कंफर्ट होना चाहिए। पेशेंट जब मरीज़ होता है तभी उसको बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, कई बॉडी के फ्लूइड्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सब जो आपका केयर है वो 100% ऑप्टिमम होना चाहिए, इसलिए ये सब बनाया गया है। ऐसे हमारे पास 3 सिंगल रूम्स हैं, इस तरफ 2 रूम्स हैं और यहाँ पर कॉमन वॉशरूम है रिलेटिव्स वगैरह जो आते हैं उनके लिए। यहाँ पे जिसको हम ट्विन शेयरिंग या दो लोग रह सकते हैं, कंफर्टेबली रह सकते हैं। आप देखोगे कि इवन लाइटिंग भी इतनी नेचुरल लाइट इतनी ज़्यादा है और मस्कीटो के नेट वगैरह सब लगाए हुए हैं। और ऐसे ही हमारा ये तीसरा रूम है जिसके अंदर सिंगल पेशेंट, मतलब एक ही पेशेंट एट ए टाइम हम लेते हैं, ताकि पेशेंट की प्राइवेसी भी मेंटेन रहे। हम एक ही पेशेंट लेते हैं ताकि इसमें पेशेंट की प्राइवेसी कम्प्लीटली रहे। तो अभी हम अब तक हम पेशेंट के कंफर्ट और रहने की सुविधाएं देख रहे थे, अब हम देखेंगे कि हमने यहाँ क्या क्या टेक्नोलॉजी लाई है और क्या क्या चीज़ें हम बना रहे हैं। तो हम इस एरिया का सबसे पहला ऐसा सेंटर बना रहे हैं जहाँ पे मदर और चाइल्ड, मतलब माता और बच्चे दोनों के लिए आईसीयू अवेलेबल है। एक स्पेशल डिलीवरी रूम अवेलेबल है जो मैं आपको दिखाऊंगा, और डिलीवरी के बाद अगर कोई कारण से मदर या बच्चे दोनों में से किसी को भी आईसीयू की ज़रूरत पड़े, तो वो सारा हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है। अब मैं आपको ये दिखाऊँगा।
ये एक स्पेशल डिलीवरी लेबर रूम है, ये यहाँ पे सिर्फ डिलीवरीज होंगी। और ये स्पेशल डिलीवरी रूम है, जबकि आप देख रहे हो कि इसके चारों कोने में ऑक्सीजन की पाइपलाइन भी लगी हुई है। एक बच्चे के लिए है, माँ के लिए है, यहाँ पे बच्चे के लिए भी पूरा सुविधा, जैसे बेबी बॉर्न होता है उसका एक स्पेशल ट्रॉली आता है, वो करके हम उसको तुरंत स्टेबलाइज कर सकते हैं। और पास ही में आईसीयू है, जिसमें तुरंत अगर ज़रूरत पड़े तो बच्चा जा सकता है, और अगर बच्चा अच्छा है तो माँ के साथ तुरंत वार्ड में भी शिफ्ट हो सकता है। आपने देखा कि मदर के लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं। अब मैं आपको हमारा जो स्टराइल एरिया बोलते हैं, जिसको पूरा साफ़ सुथरा एरिया है, वो दिखाता हूँ। ये स्टराइल कॉरिडोर बनाया है हमने, कि यहाँ पर कोई भी आने जाने के लिए पूरे बाकी के हॉस्पिटल से कट ऑफ हो चुका है। यहाँ पे आईसीयू के पेशेंट के लिए वॉशरूम और चेंजिंग रूम बनाया हुआ है। अगर कभी किसी न्यूबॉर्न बेबी को ज़रूरत पड़े और उसको कोई ऑक्सीजन वगैरह देना पड़े, कभी कभी फोटोथेरेपी की लाइट देनी पड़े या उसको गर्मी देनी पड़े, तो ये वार्मर कहते हैं, ये बेस्ट कंपनी के वार्मर जो मिलते हैं वो हमने लगाए हुए हैं। ऐसे 3 बेड हमने बनाए हुए हैं। और अगर बेबी सेटल्ड है, उसको कोई आईसीयू की ज़रूरत नहीं है, तो ये छोटे से क्रेडल में बेबी मदर के साथ शिफ्ट हो जाएगा वार्ड के अंदर। अब ये सुविधाएं हैं अडल्ट्स के लिए, मतलब बड़े लोगों के लिए। अगर उनको कोई भी ऐसी बीमारी है जिसमें उनको सांस लेने की दिक्कत है, कोई हार्ट की बीमारी है, डायबिटीज़ बहुत बढ़ गया है, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है, या कोई ब्रेन का इश्यू है, या कोई कैंसर का इश्यू है, कोई रिकवरी कर रहा है, ऐसी कोई चीज़ है जिसमें आपको आईसीयू की ज़रूरत है, इंटेंसिव केयर यूनिट, मतलब हम बहुत ज़्यादा ध्यान से उस पेशेंट को देखते हैं, मॉनिटर करते हैं, उसमें बहुत सारे वर्ल्ड क्लास मॉनिटरिंग सिस्टम बिठाए हुए हैं, डिफिब्रिलेटर जिसको कहते हैं, अचानक शॉक देना पड़े तो वो भी फिलिप्स का है, फिलिप्स के मॉनिटर्स हैं। इसके साथ हमारे पास स्वीडिश कंपनी के मैके के वेंटिलेटर्स हैं। तो ये सारा जो मॉनिटरिंग होगा, और हर पेशेंट को एक अलग से नर्स दी जाएगी हमारे आईसीयू में, ताकि पेशेंट का कितना तकलीफ है उसके हिसाब से, कभी 2 पेशेंट के बीच में एक नर्स, कभी 1 पेशेंट को डायरेक्ट नर्सिंग। इतना एडवांस लेवल ऑफ नर्सिंग और मॉनिटरिंग जब होता है, तभी किसी पेशेंट की अच्छे से स्मूथली और फास्ट रिकवरी होने की उम्मीद होती है, और ये सब इसलिए बनाना ज़रूरी होता है। ऐसे हमारे पास 6 बेड का आईसीयू है, और प्रत्येक बेड में कोई भी छोटी से छोटी दवाई भी अगर देनी हो तो हम उसको एक सिरिंज पंप से दे सकते हैं, ताकि कोई भी दवाई की मात्रा कम या ज़्यादा ना हो, और एकदम एक्यूरेसी से हम दे सकें। और हर बेड को ऐसा मॉनिटर लगा हुआ है। हमने इस पूरे यूनिट में हर जगह पे ऐसे वॉशिंग सिंक लगा रखे हैं हॉस्पिटल में, हर एरिया में, दोनों ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू के बाहर ऐसे स्क्रब सिंक लगाए हुए हैं। ये स्क्रब सिंक क्या करते हैं, बिना हाथ लगाए आप पानी चालू कर सकते हो, पानी बंद कर सकते हो, और साबुन भी ले सकते हो, ताकि कोई भी चीज़ आप टच किए बिना पेशेंट के पास जा सकते हैं। इसको कंप्लीट स्टरिलिटी रहती है, तो इन्फेक्शन की मात्रा सबसे कम रहती है। आइए अब हम आपको हमारा ऑपरेशन थिएटर दिखाते हैं।
हमारा ऑपरेशन थिएटर मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है। मॉड्यूलर मतलब इसमें कोई भी फर्नीचर, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, सारी चीज़ें बाहर निकाल सकते हैं, पूरा क्लीनिंग हो सकता है। यहाँ पे हवा जो आती है वो एक लैमिनार एयरफ्लो सिस्टम से आती है। लैमिनार एयरफ्लो सिस्टम मतलब एक 5 या 10 किलो पास्कल के प्रेशर से आता है हवा, ताकि कोई भी दरवाजे के बाहर का कचरा अंदर ना आ जाए। इसमें एक अमेरिकन हेपा फिल्टर होता है जो 0.03 माइक्रोन मतलब एक बैक्टीरिया वायरस को भी अंदर नहीं आने देता है, और 1 घंटे में 60 बार मतलब 1 मिनट में 1 बार ये इसकी पूरी हवा चेंज हो जाती है। जो यहाँ से इसके रिटर्न चारों कोने में ऐसे रिटर्न फिल्टर्स लगे हुए हैं, रिटर्न सर्किट लगे हुए हैं, तो इस रिटर्न सर्किट से पूरी हवा चेंज हो जाती है। जो हवा भी आती है, जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, ये एयर कंडीशनिंग डायरेक्टली पेशेंट के ऊपर नहीं आता और साइड पे आता है, ताकि जहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है वहाँ कोई गलती से भी अगर ये हेपा फिल्टर से कोई जंतु निकल गया तो डायरेक्टली पेट के ऊपर ना पहुँचे, या डायरेक्टली जिस पार्ट का ऑपरेशन हो रहा है उसके ऊपर ना पहुँचे। तो इसको कहते हैं मॉड्यूलर ओटी, और ये हमने बहुत इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजीज डाल के बनाया गया है। अभी ये हमारा एनेस्थीसिया मशीन है। ये एनेस्थीसिया मशीन बम्बई का पहला ऐसा मशीन है जो ना केवल सिर्फ एनेस्थीसिया देता है, और ये बहुत छोटे बेबी से लेके बहुत बड़े आदमी, मतलब एक 500 ग्राम के बच्चे से लेके 250 किलो के आदमी को भी एनेस्थीसिया दे सकता है। पर ये सिर्फ एनेस्थीसिया देता नहीं है, ये एनेस्थीसिया देने के बाद इसका कंप्लीट मॉनिटरिंग करता है। इस मशीन के अंदर वो एग्जैक्टली बता सकता है कि पेशेंट कितना डीप है, लाइट है, मतलब उसको एनेस्थीसिया कम पड़ रहा है या ज़्यादा हो रहा है। और इसके वजह से हम, अगर लंबी सर्जरी है 2, 4, 6 घंटों की 8 घंटों की सर्जरी है, तो इस सर्जरी में पूरा पेशेंट भी स्टेबल रहेगा, ना कम एनेस्थीसिया जाएगा और ना ज़्यादा एनेस्थीसिया जाएगा, जिससे कि पेशेंट की स्टेबिलिटी बनी रहती है और उसको कोई लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं एनेस्थीसिया के। तो जब भी कोई बड़ी सर्जरी करानी है तो ऐसा मशीन बहुत ज़रूरी है, और ये हमने बम्बई का सबसे पहला लिया हुआ है। और एक टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हमारे पास ओलंपस का 3D 4K लैप्रोस्कोपी सिस्टम हमने परचेज किया है, जो हमारे कंट्री का सबसे पहला सिस्टम है S700 का। और मैं बहुत प्राउड हूँ एज अ सर्जन कि मैं अपने इस पेशेंट पॉपुलेशन को, हमारे सोसाइटी को एक ऐसा लैप्रोस्कोपी सिस्टम दे पा रहा हूँ जिससे इतनी प्रिसाइज सर्जरी हो सकती है कि हम एक एक नस देखकर फ्लोरोसेंट इमेजिंग करके, एक खून में से एक फ्लोरोसेंट डाई डाल के, एक फ्लोरोसेंट इमेजिंग करके, एक एक नस पकड़ के उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि कोई ब्लीडिंग ना हो, ताकि अगर कोई भी समझो किसी को किडनी का कैंसर है और किडनी निकाल देते थे पहले, तो अभी हम सिर्फ आधी किडनी निकाल सकते हैं, थोड़ी सी किडनी बचा सकते हैं, और ये बचा बचा के जो एक हम लॉन्ग लाइफ हम दे सकते हैं पेशेंट्स को, तो ये इस नए सिस्टम से हो पाएगा। प्लस इसके अंदर 3D और 4K है। 4K मतलब कोई नॉर्मल चीज़ बहुत बड़ी आप देख सकते हो, और 3D मतलब उसको तीनों तरफ से आप देख सकते हो। तीनों तरफ से देखने की वजह से आप उसको बहुत छोटे से जगह में भी आप ऑपरेट कर सकते हो, और इसलिए हम छोटे से छोटे बच्चे के अंदर भी, 1 दिन के बच्चे का भी हम ऑपरेशन करते हैं, और वो सब अभी हमारे ये इस हॉस्पिटल में हो पाएगा। सो इस तरह से हमारा ये हॉस्पिटल हमने बनाया है, जो पहले हमने एक OPD कॉम्प्लेक्स, क्लिनिक और डे केयर सेंटर बनाया था, उसको भी हमने अभी एक्सपैंड करके वहाँ पे बहुत कंफर्टेबल कंसल्टेशन रूम्स बने हैं, जहाँ पे डॉक्टर आपको आराम से देख पाएंगे, टाइम दे पाएंगे। वहाँ पे हमने एक्सरे और पैथोलॉजी सर्विसेज भी शुरू करी है, जो आपके इमीडिएट नीड्स को, जैसे आप आउट पेशेंट्स कंसल्टेशन में आते हो तो सारी इन्वेस्टिगेशंस आपके तुरंत वहीं पे हो जाएंगे। उसके अलावा अब हमने ये सेंटर शुरू किया है, और आज से ये सेंटर शुरू हो गया है, तो कोई भी क्रिटिकल पेशेंट हो, कोई भी इमरजेंसी हो, कोई भी बड़ी सर्जरी करवानी हो, कोई भी डिफ़िकल्ट सर्जरी करवानी हो, कहीं भी किसी भी बीमारी का सेकेंड ओपिनियन लेना हो, तो आप बोरीवली हेल्थ केयर को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारे व्हाट्सएप नंबर्स सब जगह पे अवेलेबल हैं। हमारी वेबसाइट बहुत ही बढ़िया वेबसाइट बनी गई है, ताकि उसमें आप 60 से भी ऊपर डॉक्टर्स हैं, अगर आप डॉक्टर्स के प्रोफाइल देखोगे तो सारे डॉक्टर बड़े बड़े हॉस्पिटलों में काम करते हैं, वो डॉक्टर्स हमारे पास इधर अवेलेबल हैं बोरीवली में, और इन डॉक्टर्स के साथ आप कंसल्टेशन कर सकते हो। आप हमारे कंसल्टेशन नंबर पे कॉल कर सकते हो और अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, और अगर कोई भी इमरजेंसी है तो तुरंत आ सकते हो।
हमने एक और चीज़ नई शुरू की है आज से, एक सेकेंड ओपिनियन क्लिनिक हम कहते हैं इसको, कि कोई भी इंसान जिसको बॉम्बे के अंदर दूर जाके ओपिनियन लेना दिक्कत होती है या पता नहीं है किस जन से ओपिनियन लेना है, किस डॉक्टर से ओपिनियन लेना है, काफ़ी बार हमारे पास फैमिली और फ्रेंड्स फ़ोन करते हैं कि किस डॉक्टर का ओपिनियन लेना है हमको पता नहीं है। बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसका क्लियर कट पता नहीं होता है। आजकल लिवर का अलग डॉक्टर हो गया है, किडनी का अलग डॉक्टर हो गया है, उसमें भी मेडिकल अलग हो गया है, कैंसर का अलग हो गया है, सर्जरी का अलग हो गया है। तो ये सारे डॉक्टर हमारे पास अवेलेबल हैं। हमारे डॉक्टर आपकी फ़ाइल देखेंगे, आपने फाइल सबमिट करनी है, उसका हम समरी बनाएंगे, वो समरी हम किसी एक्सपर्ट को, हालांकि वो समरी हम किसी बॉम्बे या नेशनल लेवल कंट्री लेवल के एक्सपर्ट को हम सेंड करेंगे, उनका ओपिनियन लेंगे, कोई और इन्वेस्टिगेशन करवाना वो करवा लेंगे, और फाइनली आपकी वीडियो कंसल्टेशन से हम उनकी मुलाकात करवा लेंगे, ताकि आप सबसे बेस्ट जो कंट्री में है उनसे आप मिल पाओ और एक जेन्यून और सही ओपिनियन ले पाओ। तो ये हमारा सेकेंड ओपिनियन का एक प्रयास है, जो हम चाहते हैं कि कोई भी आम आदमी हो वो घर बैठे बोरीवली में, यहाँ से हमारे वेस्टर्न बॉम्बे से ये सेकेंड ओपिनियन पूरे इंडिया में किसी भी बड़े डॉक्टर से हम ले उनको दिला पाएंगे। So I had been using these five flats, which has been combined into making a nice hospital in Bombay, I would say in India as well, actually speaking. And then I used it for since 90, and it is now 22. So I used it for more than 32 years, this particular place. It was a unique plastic surgery center. And when I thought of actually handing over this place to somebody young and dynamic, actually, I was thinking who can take over. I didn't want this place to go anywhere else, but to become a hospital, and hospital far superior than what I had, actually. The young people, of course, they are dynamic, they are going to do well. And actually, once I saw his blueprint coming up, I visited not more than once or twice, actually. Initially, you do feel that it was your place and how things are coming up. But now I'm really, really happy and proud the way he has really made. I never knew that the place could be made in such a wonderful thing, and it is so spacious, actually speaking. And then I'm happy really that it has gone in the best hand, and it is going to shine much, much. You're going to really multiply into tens and hundreds, of course. So that is what really I'm sure, actually. I'm not hoping, I'm sure that you're definitely going to do it, actually. And my wishes are always there with you. Definitely, yes. All the best. Thank you. All your good wishes and your good vibes are here with us. Thank you. Your good wishes and good vibes are here from the starting. You have helped us in many ways than you can imagine. And you have been supporting us. It's all gone in the right direction, actually, and it has really grown and multiplying. It's really great. Thank you so much. We're really happy, you. Actually. Thank you. Yeah. My wife and I, she's really happy that we'll frequently keep like coming here, actually speaking, to look it is, up. It is still your place, sir. It is still your place. It is still your place. And I must say that when we took over this project, it already had some brand in the society, because Dr. Dhami's name is very well known as one of the best in his field, or the best in at least this part of the country. He's the pioneer in many things, including cosmetic and laser surgery. And when we took over, we realized that we've got some gold in our hands, you know. So that is something that we've tried to caress it like gold, and we want to do something more for expanding beyond cosmetic surgery to mother's care, children's care, ICU care. So one of the most important things what Dr. Namrata is going to introduce here is the most state-of-the-art ICU in Borivali, at least. And maybe the western suburbs, packed with full technology for doctors and total comfort for patients. So that is what we are hoping for. And we are also expanding the horizons of surgery. Today, most surgery is done still to this date by open surgery method. But we are introducing a 3D, a three-dimensional 4K resolution Olympus system, which is imported from Japan. And that system can enable surgery to such a precision, from a small newborn baby to the most biggest adults, and including cancer care for really elderly people. If you do laparoscopic surgery in such patients with ultimate precision, and the recovery is so much better.
that you can imagine that old people can now get that level of care in our city. And we are honored that we are the first person in the country to buy this system. And we hope that we can extend these services to everybody in the society. And we thank Dr. Dhami again, because his vibes are already felt. Everyone who has been here today, hundreds of people have felt these vibes. And most of these are pre-existent from what they have grown and nurtured. So thank you so much, sir. It was good to start with. Now it is numero uno, number one. Hello, main Dr. Kant Shah hu. Main ek chote bachon ka surgeon hu. Aur humne ye setup bana hai Borivali Healthcare, jo Borivali ka first ICU aur surgical center hai, jisme bahut sari world ki technologies lai gayi hain. ये हमने बनाया क्योंकि हम बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में काम करते हैं. नानावटी, जसलोक हो गया. हमारी वाइफ डॉक्टर नम्रता अग्रवाल नानावटी में आईसीयू की कंसल्टेंट है. तो जब भी हम बात करते थे, जब भी हमारे पर्सनल फैमिली रिलेटिव्स को कुछ होता था, तो हम सोचते थे कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कर लो, फिर वहाँ के बिल्स वगैरह ये सब प्रॉब्लम. तो फिर हमने सोचा कि ये बोरीवली के और वेस्टर्न सबर्ब्स के लिए कुछ अलग करना चाहिए. तो इससे हमने सोचा कि ये एक बहुत ज़रूरत है सोसाइटी में अपने के एक छोटा सा हॉस्पिटल हो जिसके अंदर बहुत सारी आधुनिक टेक्नोलॉजी भी हो लेकिन रीजनेबल कॉस्ट में हो. और इसलिए हमने सोचा कि पहले हमने 2 साल पहले हमारा ओपीडी कॉम्प्लेक्स और डे केयर सेंटर बनाया था, और अभी हम आज लॉन्च कर रहे हैं कि हमने एक पूरा छोटा हॉस्पिटल बना लिया है जो भले ही छोटा है लेकिन इसके अंदर वर्ल्ड की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजीज लाई हैं. डॉक्टर नम्रता, यहाँ पे कौन से सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं? सो वी कवर, हम मेजरली सब सर्विसेज यहाँ पे कवर करते हैं. हमारे पास जनरल मेडिसिन एंड क्रिटिकल केयर का स्पेशलिटी है जो है आईसीयू, जो मेरा फोटे रहेगा. मैं आईसीयू देखने वाली हूँ. तो हमारे पास 6 बेड्स का आईसीयू है. उसमें से 2 हाई डिपेंडेंसी बेड्स है. हमारे पास हाई एंड स्वीडिश कंपनी के मैकी के वेंटिलेटर्स है, जो छोटे से छोटे बच्चे नियोनेट्स 500 ग्राम के बच्चे से लेके बड़े बड़े एडल्ट तक को वेंटिलेट कर सकते हैं. हमारे पास फिलिप्स के मल्टीपैरा मॉनिटर्स है जो जिसके अंदर हम सब मॉनिटरिंग कर सकते हैं. इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, ETCO2 मॉनिटरिंग, सब कुछ हम उसमें कवर कर सकते हैं. हमारे पास उसके बाद ऑपरेशन थिएटर्स है, 2 बड़े बड़े ऑपरेशन थिएटर्स है जिसमें हमारे पास 3D 4K का लैप्रोस्कोपी सिस्टम है जो हम फर्स्ट हैं इंडिया में लेने वाले. देन हमारे पास ड्रेगर की वेंटिलेटरी मशीन्स है जो अगेन वेरी फ्यू पीपल हैव इन मुंबई. देन हमारे पास वार्ड्स है काफ़ी सारे. हम उसमें सब स्पेशलिटीज़ कवर करेंगे जैसे कि वुमेंस हेल्थ केयर, चाइल्ड हेल्थ केयर, ऑर्थोपेडिक, कॉस्मेटिक, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी एंड मेजरली सब स्पेशलिटीज़ हम उसमें कवर करेंगे.